अलवर जिले की हॉट सीट तिजारा में भाजपा के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ की राह थोड़ी आसान नजर आने लगी है, क्योंकि भाजपा से बागी हुए पूर्व विधायक मामन यादव का समर्थन मिलने लगा है। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी स्थल बोहर रोहतक के महंत हैं। बीते दिनों वार्षिक कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित सभी प्रमुख नेता रोहतक पहुंचे, तो बालकनाथ के साथ नेताओं की फोटो देखकर प्रदेश में बालकनाथ का कद बढ़ता नजर आया। चुनाव के सर्वे में बालकनाथ को सीएम उम्मीदवार की दौड़ में शामिल किया गया। पार्टी ने बालकनाथ को तिजारा से अपना प्रत्याशी बनाया है। शुरुआत से ही बालकनाथ की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन एक तरफ बाबा को राहत मिली तो दूसरी तरफ परेशानी बढ़ती जा रही है। बालकनाथ के विरोध में भाजपा से बागी हुए मामन यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। मामन यादव को पार्टी के नेताओं के समझाने के बाद मामन का बालकनाथ को समर्थन मिला, तो बालकनाथ की उसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तिजारा में नामांकन से पहले हुई बालकनाथ की सभा में भाजपा नेता संदीप दायमा ने मस्जिद और गुरुद्वारे को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर पूरे देश में बवाल हुआ। देश भर में बालकनाथ और भाजपा के खिलाफ सिख समाज विरोध प्रदर्शन हुआ। तिजारा में चुनाव प्रचार के दौरान सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की, तो दूसरी तरफ गुर्जर समाज के पंचायत में जाने के दौरान बालकनाथ को आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों का विरोध का सामना करना पड़ा। समर्थकों ने बालकनाथ के विरोध में नारे लगाए व आजाद समाज की पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी की। इस दौरान बालकनाथ लोगों से बचते हुए मौके से निकल गए। बालकनाथ के विरोध के वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहे हैं।